जा रे जा। बिरहा का शीर्षक है यमपुर पर मानव का अधिकार। भूमिका के भाव लगा कैसे? समय की जिसने की पहचान, जग में हुआ है वही महान। मान सम्मान कमाया जीत लिया संसार, पहचान हुआ है जग में वही महान। मान सम्मान कमाया जीत लिया संसार। समय ही कीमती होता है, हर दौलत से समय कीमती है। हजारों करोड़ों दे करके किसी मरते हुए व्यक्ति का एक सेकेंड नहीं लौटा सकता, क्षण नहीं लौटाया जा सकता। बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। इसी भाव में एक गजल का नमूना लगा कैसे? कहना है कि वक्त का ना तकाजा भुलाना, वक्त का ना तकाजा भुलाना, वक्त ही जिंदगी का सफर है। सफर है कि वक्त ला कर के घर में बसाया, वक्त ला कर के घर में बसाया, वक्त ही करता घर से बेघर है। देवलोक में जैसे सब निठल्ला बैठे रहा थी तो गॉसिप कर एक मन कहा था। अंग्रेजी जमाने में इसको गॉसिपिंग कहते हैं, मतलब कि मोबाइल में व्हाट्सएप पे बात करते उसको चैटिंग बोलते हैं। और खाली बैठते हैं जो शहर की महिलाएं करती हैं उसको गॉसिप बोलते हैं, कि खाली समय में कुछ बात का बतंगड़ निकलत रहा था। और घरे में गाँव में कहीं यार हम झल्ला करे बैठा। एक बार देवगणों में बात ठन गई। और बात क्या ठनी, करते क्या है, एक बार बातों ही बातों में बात निकल गई। क्योंकि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। यही में ठीक गाना आ रहा कि चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, और चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। आज देवगढ़ों में चौपाल लग गई है और उन सब में अंतर द्वंद चल रहा है कि देवलोक पाताल लोक और तीनों लोक में मृत्यु लोक सब में मिला करके सबसे ज्ञानी कौन है। अब जैसे बात चलत ना थी, नहीं सबसे एकदम ऊपर वाला टॉपम टॉप वाला बात चल पड़ी। कोई किसी को बताता है, कोई किसी को कैसे शहर का नमूना लगा कैसे? स्वर्ग में सभा बैठी है, बैठे सब देव गण एक सभा जी लगाए हैं, बैठे सब देव गण एक सभा जी लगाए हैं, कौन विद्वान ब्राह्मण यही विषय लाए हैं। कहे ब्रह्मा की सारी सृष्टि हम चलाते हैं,
कहे ब्रह्मा की सारी सृष्टि हम चलाते हैं, पवन बोले कि इसलिए न पूजे जाते। पवन बोले कि सृष्टि सांस मुझसे पाता है, पवन बोले कि सृष्टि सांस मुझसे पाता है, शीतलता कहाँ से चंदा ये बोला लाता है। तड़प के सूर्य कहे इंद्र ना महान बने, हमारे आम हमारे सामने बुझाओ नहीं शान रहे, अपने कर्मों गुणों की सब ये बात लाए हैं, लगी वीणा बजाते नारद वहाँ आए हैं, लगे वीणा बजाते नारद आए हैं। नारायण नारायण का नारद जी ने गान किया, ब्रह्मा की बात मान वही छिड़ गई। पवन देव कहने लगे कि अगर संसार में कोई श्वास ना पाए तो किसी का जीवन किसी कार्य का नहीं है। और चंद्रमा बोले कि हे सूर्यदेव से क्यों बुझाते हो, अगर दुनिया जलते ही रहे सूरज में जब छाया न देबे चंद्रमा तो कहां से जीबा, कहां से जीबे बताओ। इंद्र कहन तोरे दम पे नहीं हमारे दम पे संसार चलते, हम पानी भेजी वरुण के माध्यम से, हम वर्षा भेजी, सब चीज भेजे थे, और इसी के बीच में नारायण नारायण मल्टी मीडिया जहाँ पहुंचा तहाँ सबके ध्यान एक के जगह फोकस हो जाता। और नारद बाबा जब आए गए तो सब कहन देखा सब जने छोड़ दे पंचायत, सब पंचायत जाओ, नारद कही है बात वही पक्की हो, पक्की होए। नारद जी की बात ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण दरबार लगा है, स्वर्ग अमरावती एकदम शोभायमान हो रही है। पूछा जाता है तो पूछत कैसे नारद जी, शिव जी कहते हैं कि हे नारद बताओ सबसे बुद्धिमान है कौन इस धरा पर, स्वर्ग लोक में पाताल लोक में हर जगह को मिलाकर सबसे बुद्धिमान कौन है, कहते ही कि नारद जी बोले बचनिया, कह देखा बात कहब तब जब सब पंचो माना तब, कह नहीं जौन कहवा तौन मानव जरूर, कहा कुछ बतावा तो, कहते क्या है नारद जी कि नारद जी बोले बचनिया जगत में बा सबसे के ज्ञानिया हो, नारद जी बोले बचनिया जगतिया में नारद जी कहत ही कहो कि मर्त लोक मानव मृत लोक का मानव सर्वश्रेष्ठ है, कि मर्त लोक मानव मनीषी कहाए, मर्त लोक मानव मनीषी कहाए। शंकर जी बमक के खड़ा हो गया, त्रिशूल लेके डमरू गड़गड़ाओ, कहना कि बात रास नाही ई शंकर के आए, शंकर के आए, अरे सुन करके जिया जिया जिया, सुन करके जरी गई बदनिया जगत में बा सबसे के जनिया हो, कहे
कि तुम मने कमजोर समझता है शिव जी, ऐसी बात नहीं है। और अगली कड़ी में कहते क्या है, कैसे भैया शंकर जी कह थे कि जिसको कहिए नारद जी उसको मार कर मैं अभी हाजिर कर देता हूँ। नारद जी कहा थे ज्यादा बुद्धि बाड़ी है शिव जी की, लागत है भांग खा बहुरान है। कहते क्या है इसी कड़ी में कहना है, महाकाल कहे मारी मनई लियाई। नारद जी कहा अच्छा, अरे जियत लेके औत्या तौ जात्या घाई। अरे गावत की है जिया जिया। बात कहनी थी, कह दी सुना न सुना तो हर लोग को बात है कि गावत की चली भय भजनिया जगत में बा सबसे के जनिया हो। करेजे लग जाते, कहा थी अब होए न होए हम इनका साबित करके दिखाओ कि मनई नहीं और लोग बुद्धिमान हैं। एक कजरी के भाव लग कैसे गावथिन, शिव जी एक व्यूह रचना बनाते हैं कि कैसे फंसावा जाए नारद जी का, अपन बात ऊपर की जाए। बार भोले बाबा कि कान्हा झूला झूलने झूला झूलन आ जा, बुलाए राधा प्यारी कान्हा झूला झूला जा, बुलाए राधा रानी कान्हा झूला जा, बुलाए राधा रानी हाँ बुलाए राधा प्यारी, बुलाए राधा प्यारी, बुलाए राधा प्यारी आजा मेरे बनवारी कान्हा। उहाई की कबड्डी आज बिना हराए न जावे, बिना कबड्डी खेले आप जा चल कबड्डी को। शंकर जी और नारद जी में ठनिंग बात, अरे राम शंकर जी मुस्कंडा मजबूत मजबूत यम देवता से मंगाई के चार थी करिया करिया मुस्कंडा एकदम खावा पिया पहलवान का दे, मृत्यु लोक पर जाओ और जीवित आदमी पकड़ कर लाओ। हम दिखाते हैं नारद को कि कितना बुद्धिमान आदमी, कितना बुद्धिमान हो थी। और चारों मुस्कंडा चल पड़ते हैं तो होता क्या है, वही बात है कैसे। दूत को महाकाल बुलवाए, दूत को महाकाल बुलवाए सुनावई अपन बानी, दूत को महाकाल बुलवाए सुनावई अपन बानी, महाकाल बुलवाए सुनावई अपन बानी, सुनावे अपन बानी, सुनावे अपन बानी, सुनावे अपन बानी, सुनावे अपन बानी, दूत को जाओ मृत्यु लोक को जाओ जीवित मानो पकड़
जीवित मानो को ले आओ, नारद की बातें झूठ लाओ। जीवित मानो को ले आओ, झूठी करो देवर्ष की बानी। देवर्ष की बात को झूठा करने के लिए मृत्यु लोक को जाओ और एक जीवित मानव को पकड़ लाओ। यहीं से टेरी का भाव लगा विरह में कैसे कि जमाया जग में धाक मनई। भाव के ऊपर चलता है ये गीत, ये भाव उसमें है ही नहीं कि जमाया जग में धाक मनई, कि ज्ञान विज्ञान योग से सबको नाच नचाया। धाक मनई ज्ञान विज्ञान योग से सबको नाच नचाया। चारों मुस्कंडे पहलवान आते हैं और धरती पर मृत्युलोक में ढूंढ रहे कौन मनई उठाए के ले जाए। जियत जौन शिव जी की बात सही कही सकते। सही कही दी। और देखें तो सांझ का बेला रही, दिन भर दुकानदारी कई के ठे सेठ मोठ के मुस्कंडा के बनिया, जैसे सांसों के बनिया खाए के दिन भर हिसाब उसाब कई के खब बकायदा एठी खटिया बगियम लेटा खराटा। अरे सुवे बड़ी लंबी नींद में सोवत रहा, सीटी आवत जात रही। अरे राम हो राम। अपन बही खाता सब मुड़वारी धई के खटिया पे खूब जोर जोर खर्राटा भरत रहा। अरे राम हो राम। और इतनी लंबी भरत रहा कहन इही के लई चलाई जान न पाई बगली से के आवत है। आवत और चारों मुस्कंडा आयन खटिया सब में कहन सार बहुत भारी बा, इसे कान कट जाए एक एक जने लई चल पारी पारा ना होई। अरे राम। कहन ना होई कहन नहीं कहन खटिया समेत उठावा सारे के लई चल तुरंत। अरे राम। और खटिया समेत चारों लोग उठा लेते हैं और उठा के चलते हैं तो चौक के भाव लगा कैसे आधी रस्तवा मोकर नींद खुल जाती है। चाचा कह रही कहां हवा मुड़त जाता है। अरे राम हो राम। चौक में कहना बा कैसे कि नींद खुली जिस दम लाला की, नींद खुली जिस दम लाला की, पहुंचा था आधे आका। कुछ प्रकार सरऊ को बेईमानी करे दूध कहीं जमपुर लई चल बई, दूध कहीं जमपुर लई चल बई लई के तो काफी टबका। लेकिन लाला एक चलाक आधी रास्ता आंख खुली जब बताएं कि जमपुर ले चल बे तो का खूब ठोका वही ले चल का शंकर जी लगे दहबे दहबे कि लाला एक कलम उठाई कहा ये यहाँ यहाँ चारों जने हमका जटे केतनन के आगे नौ के जीरो बनाए नौ हजार होई गवा, सौ के आगे दो जीरो बढ़ाए सीधा सीधा दस दस हजार होई गवा। अच्छे अच्छे पानी भरा था जिंदगी दर पीढ़ी कर जाना है चुकाई पाए ये आया हमका जमपुर में पीटे कि लाला तुरंत कलम उठाई चिट्ठी शिव जी के नाम लिख डाई और वैसे तुरंत विष्णु के दस्तखत बनाया। लाला कहा शंकर जी राम जी विष्णु जी के पुजारी, अब विष्णु जी शंकर जी के पुजारी
कुछ करे पड़े गड़बड़ है, गड़बड़ झाला कुछ करी तो भाई। वो तुरंत अपने मुड़वारी वाला कागज उठावा था, बनिया का पन्ना बड़ी मुश्किल से खाली निकला था, साठ हंड में लिखा थी ना। नान के चिट्ठी निकारे कौन तरह चीर के बहुत कंजूस होती निकारे से हमन लिख देस कि विष्णु जी की ओर से साभार प्रस्तुत हूँ। चिट्ठी लिख दो लाला कि विष्णु जी की ओर से यह व्यक्ति जा रहा है, इसका ससम्मान आदर किया जाए, कैलाश पर्वत पर बकायदा इसकी इज्जत की जाए। अब बनिया दस्तखत बनावे में नंबर एक, दस्तखत बनाए दिया विष्णु जी के, अब खटिया के मोड़े के तरह फिर दे के फिर खरट लाई के चला हवा में आराम से सैर कर दी। और लाला तुरंत चल देते हैं उसको लेकर, जा रहा एक तर्ज लगत कैसे कैसे स्वर्ग लोग पहुंचते हैं लाला की खाट लेकर के, यह तर्ज लगत है कि पिया मेहंदी मेहदी दूसर के उलावे तो इतना रंग नहीं चढ़त, का थी जकरे हाथ हम जितना करिया चढ़त मेहदी लाल होकर मने ही उतने मया थी ना चढ़ाए तो रोया जी ना, आजकल केमिकल मिला होते जरूरत से ज्यादा चढ़ाए दे तो डुप्लीकेट प्रेम हो तो चार दिन में छूट जाते है। कि पिया मेहदी मंगाता छोटी ननदी से पिसाता वाली ननद रहा है, कहे कि सिलबट्टा पर छलका पड़ जाता है पीसा पीसा, अब बिना चटनी सिलबट्टा के पीसे चाहे कितनों मिक्सी में पीसा वो बात नहीं आवे, मजा ही नहीं आवे। आज भी पीस के बनाती हूँ, जब तक टमाटर वाली सिलबट्टे बनाई थी, लेकिन रगड़ाई वाला काम मेहदिया बड़ी छटकत लसाड़ होती बड़े नंदे से पिसावत है। अरे राम हो राम। कि पिया हम हो कि हम लगा ले भाई अपने काटा कील से जाके साई कील से, लेकिन कहा थी का उस चिट्ठिया में लिखा का बाट शंकर जी से, कैसे लिखे शंकर जी जब मने ही देखा थी तो चिट्ठी निकाल के बगली से थमाए देते शिव जी के, त्रिशूले में लड़ा था त्रिशूलवा हिला था तो कहा थी अरे का वाट है, तो देखा थी लाला चिट्ठी थमा होता है। अरे बाप रे बाप। शंकर जी कहा थी पहले पढ़ लीन जाए तो आगे को विधान देखी। हाँ हाँ भैया। अब मन चिट्ठी जब खोला थी तो पढ़ा दिखाओ का लिखा बा कि जवन जात है अर्थात लाला, अरे बाप कि जवन जात है मनई हमारे है हमें बड़ा प्यार है जवन कि जब ही तोहसे भेटाई, शंकर जी के कहे हैं कि जब ही तोहसे भेटाई तिहा सिंहासन बिठाई, कि एकरे आज्ञा के हमका बहुत मानत हमेका बहुत मानत, अरे मोरे राम हो राम, कि एकरे माग्या के मान्या करता रहा है बड़ा होनहार है, शंकर जी शिव जी फंस गए न, अच्छा कहे नहीं विष्णु जी का परम भक्त स्नेही है, स्नेही है इनके करीबी है, अगर एकर अनादर भव समझा विष्णु जी का अनादर भव, राम जी उनको जपते हैं, राम को वो जपते हैं,
उनको सिंहासन पर धोए नहवाए के बकायदा लाला का ठाट से सेवा होती है। एकदम छप्पन भोग बेचारू अपना भांगे धतूरा छानत है उनका, लेकिन उनका वो सेवा दे तहा की सिंहासन अमरावती ल जाती है। और जहाँ जाए ललवा देखे की बड़ा गड़बड़ है। एक दिन कहा अम्पोर घुमाए लाई तो का दादा राम आधार वाली लगाए दे। शंकर जी जब लिया के घुमावे जाते जब लोग तो देखा थी वेश्या बांधी गई है उनको मही रस्सा रस्सा मारा जा रहा है। कोणा ही कोणा। लाला कहा थे का प्रभु ये का करता है कितने का काम बनाए दे हो ये इनका तू मारा था बड़ा रा 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 बड़ा अनर्थ करता है इनको ससम्मान छोड़ दिया जाए वेश्याओं को छुड़वा दिया जाता है। अरे बाप रे। जो सुअर वर काटे वाले कसाईन करे राम 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 जे करे पेटे में हार न हो उनका ये भोजन सुलभ करवाना है। प्रभु सब को छोड़ दिया जाए और जितना कुकर्मी अधर्मी नालायक गमीना रहे सब का ललवा छुड़वाई देते। अब पूरा स्वर्ग के व्यवस्था डगमगाए लगत है। अब शंकर जी कहा विष्णु जी कैसा मने ही पठाया लेकिन कहीं न पावे कुछ सब गड़बड़ सड़बड़ हो लाग। कहे अब जब कुल हो गए तो एनहू के फांसी अंतिम बेला रही के बाद तो दादा राम आधार के तर्ज लग गए। कैसे भैया कि अरे झकोरा मारे झुलनी अब कटिया वाली आवत जोन हिया से हिया तक जात है तब पतिया हिया आवत रही जोन पुरनिया पहन के आत रहे बुलाक आवत रहा जोन हिया छेद के पहन आत सन 90 में जोन चलत कि झकोरा मारे झुलनी कि ऊ है साड़ी लहराए रे झकोरा मारे झुलनी झुलनी जब सिवारी में खांची खुरपर लेके जाए वाला जमाना रहा कल्पना कह सके बहुत ज्यादा देखे नहीं रहे आप लोगन के समय के बाद कि जब पुरवैया चलत रही हो तो जरूर झुलनी हल्की फुल्की हिलत रही तो मेरे किनारे से क्यों झांक के और दादा राम आधार तो महा श्रृंगार रस के गायक रहे श्रृंगार उनके रग रग में कूट के भरा था। उदय दादा जो है आज भी आते है इतना रस सरोवर है बुढ़ाई दास श्रृंगार रस छलक पड़ा था। क्या बात है देखिए कहूं भी शासन चलावे के लिए हुआ के लोगन के बस में करे होते उनके दिल पर जब तक राज नहीं करेंगे तब तक मुहर न पड़ी न पड़ी न पड़ी कहे कि ओटे एक दिन रात और रात पब्लिक पलट जाते चाहे कितना पौआ पियावत रहा ए, सेवा पमेवा। शंकर जी कि जब देखा थी सब लोग कैलाश के वासी सब नंदीगढ़ लोग देख रहे हैं शैव जितने हैं कि जौन कहत भाई है शंकर जी माने तहां जब जान ले कि सब पुरजा इनकर हथियार ले है तो शंकर जी के काम अढ़ाई देते का कि जाते मृत्यु लोकवा हुआ सब दुरुस्त कह देते वैसा छुड़वाए देते कसाई छुड़वाए देते चोर छुड़वाए देते चक्का छुड़वाए देते जितना ईमानदार घुसा घुसा खा तहा स्वर्ग लोक में न्याय अन्याय में फेर बदल करवा देता है लाला अपने ठीक अपने बही खाता किताब की तरह जोर से बा। अब शिव जी को भेजत कहा कि जाते मृत लोकवा आई हो जाते मृत लोकवा कहा जी हाँ फरमाइए कि कुछ काम बाटे भाई हो जाते मृत की जाता मेरे तो लोकवा का बाटे
ही जाता मृत्यु लोकवा काम बाटे झेल झेल लाला के एकदम अड़बंगा रूप बनाए के पहुंचे थे ही भाव में कहना वा कैसे देखा महाकाल के कुछ लोग चिल्लाए फेंकने का काम लगवा देते हैं। अब शंकर जी करे तो का करे, कहे कि मनुज भेष में रहन इतना कंटाल रहन लाला से कि एकदम दिमाग नहीं काम करत रहा। अब जेली में गोबर फेंके भगवान कहा विष्णु जी कसत मनाई पठे देन हमरे राम हो, राम हो। तब उनके मने में नारद जी की बात अरे सर्वा कहे रहा कि बताओ मनई बुद्धिमान हो तो सार लाला अभी तक न चाहत हरे मरी ये बड़ा गड़बड़ हुई गुआ हमारे साथे। और जब शिव जी के एकदम बुरा हाल हुई कि जब मनई कहे कि मनई बड़े देश के नियम आ भगवान बड़े ऐसे करन होई गवा दरोगा पकड़ लाई के थाने में जेल में भगवान बड़ी दिक्कत में झेला तहा। और हर सब सोचो तहा कि स्वर्ग वाली परंपरा कहाँ बिगड़ी गई, शंकर जी कहाँ हेराई गए, पार्वती कहाँ ये सर्वा आई लई गवा हमारे मनैया के दर्शन नहीं गणेश कार्तिक तनी पता लगावा कहाँ गए। अब शंकर जी परेशान कहे कि मानवी रूप नहीं बना सकते। कुछ दिन जब बेटा एकदम ठंडा हो गया शंकर जी की नहीं मनई बुद्धिमान होते आए कि मनई खुपड़ी बहुत तेज भागत है, चाहे जितना बन जाए देवता देवी लेकिन कुल मिला करके जो मनुष्य होता है समस्त जीवों में बुद्धिजीवी माना गया है, इसलिए मानव तन दुर्लभ माना गया है, इसीलिए 84 यवनियों में भटकता है ये जीवन। कहा है कि 9 माह पूजन किए पग ऊपर तलसीस, आया जगत में क्या किया बिसर गया जगदीश। माँ की कोख में 9 महीने पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है कि इस नर्क से उबारिए प्रभु, मैं आऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा। तत्पश्चात आकर के माया में व्यक्ति भूल जाता है और वहाँ का सारा विधान जो मानता रहता है, जो प्रभु की बात मानी रहती है वो भूल जाता है। आज शंकर जी मनई के फेर में फंसे, ये हास्य रस था, हम अपने इष्ट अपने देवताओं का अनादर नहीं करते हैं। गीत के अंतिम भाव में दादा पंधारी का भाव लगत है। जब कुछ दिन में सारी गर्मी ठंडी हुई के शंकर जी का डमरू बजावे धीम धीम बाजे मने कान गजब फंसे मनई वाली जेली में। कहना बा दादा पंधारी कि नारद बाबा के नारद जी नारायण नारायण कह के आयन कहे, अब इनका बताई थे सूक्ष्म रूप से बुलवाते हैं कि नारद बाबा के बिड़वा सितार बजा, नारद बाबा के बीड़ा सितार बजा, असगुण अवगुण का कैसी मिली है सजा, असगुण अवगुण
नारद तू जाना हम जाने तिसर का क्यों हिया वाली बात ना जाने पा नहीं बोल खुल जाए जौन कुछ हुआ कहा हुआ हिया वाले जिन बताए मोर भाई बड़ी बेइज्जती हुए हम महादेव का दैनिक जागरण में ना छपवा मोर भैया बिल्कुल ना छपवाया नहीं बहुत गड़बड़ हो जान ला मरो निगाह है कड़ी में कहना बका कि मानव प्राणी जग में महिषी कहलाए अब विष्णु जी कहाँ सही तन में जाए और नारद कहाँ विष्णु अब टपक पड़े कहाँ सब गड़बड़ होता है नारद के पीछे पीछे लग ले रहे कि नारद कहाँ कि भोलेनाथ अरे नारद कहाँ कि भोलेनाथ पाया हो मजा नारद कहाँ भोलेनाथ पाया हो मजा असगुण अवगुण की कैसी मिली है सजा गुरु भुल्लुर गुरु गीतानंद गुरु राजा राम आधार हैदर अली जी स्वर्ग को गैले विमल के देखे प्यार हो जमाया जग में धाक मनई अरे सपना कहे शारदा रहे तुम्हारी माया जमाया जग में